The buzz around Bigg Boss 13 is larger than ever, and as the fans gear up for the show to go on air, here's what handsome hunks Shivin Narang and Vivian DeSena have to say about entering the madhouse and to whom they would like to see competing in the show. देखिए जब जाना होगा तो चला जाऊंगा. तो जब होगा तब देखेंगे ना, अभी मतलब सब बता दो पहले से. इस बार बिग बॉस 13 में जो है कॉमनर्स की एंट्री नहीं है, सिर्फ सेलिब्रिटीज ही को ही एंट्री मिलने वाली है. तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ऐसे तीन नाम कौन से होंगे जो सेलिब्रिटी आप बिग बॉस में देखना चाहते हैं? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो मेकर्स डिसाइड करेंगे. आई डोंट रिमेंबर ऑफ, मतलब मुझे कोई भी ऐसा इंसान नज़र नहीं आ रहा जिसको मैं बिग बॉस में भेजना चाहूँगा. और मैं क्यों भेजूँ किसी को बिग बॉस में, जिसको जाना होगा खुद चला जाएगा. जिसको आप बिग बॉस हाउस में देख के आपको सब तरह इंटरेस्टिंग वो इंसान लगे, जिसकी लाइफ को आप रियल में वहां पर देखना. आई हैव नेवर थॉट ऑफ एनीबॉडी सच. Anybody like this. Big Boss 13 आने वाला है. अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या आप जाओगे? देखिए Big Boss के हाउस में तो मैं एक दो बार होके आया हूँ. As a host, आप कह सकते हैं. तो मैं एक दो बार गया था, अंदर गया, सबसे बात की, मज़ा आया. मैं सच बता रहा हूँ, इट्स नॉट एट ऑल ईजी. ऐसा नहीं पूरा सब कुछ एकदम, पहले मुझे लगता था कि अरे बिग बॉस में क्या होता है, इजी होता होगा सब कुछ, ऐसे कर देते हैं. हाँ ऐसे ही लगता है एज एन ऑडियंस, आपको यही लगता है. पर जब मैं खुद होके आया, बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ फेस ऑफ अ बिग चैनल, एकदम मतलब हमारे लिए भी प्रॉपर, हमें भी नहीं पता, आँखों में पूरी पट्टी बांध के हम अंदर गए थे या कौन से दरवाजे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. बहुत अच्छे से फॉर्मेट वो होता है, एंड इट्स नॉट एट ऑल ईजी. हम देखते हैं वहाँ पर, हम छोटी छोटी चीज़ों में लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, कभी किसी को अंडों के लिए लड़ रहे हैं या किसी छोटी छोटी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं. बट आप जहाँ पे भी जाते हैं ना, वहाँ पे कंपटीशन शुरू हो जाता है आपका. आप बाद में सोचते हो कि अरे यार मैं किसी छोटी चीज़ पे लड़ रहा था या किसी छोटी चीज़ पे लड़ाई कर रहा था. बट जब आप उस माहौल में इतने 3-4 महीने रहते हैं और उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं और टास्क आपको ऐसे दे दिए जाते हैं, मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. आपको ये नहीं है कि बॉडी बना ली या आप आदमी हो या कोई ऐसे कुछ गुंडे हो तो आपको कुछ हो जाएगा. नो, मेंटली यू हैव टू बी रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप अकेले होते हो, फैमिली से दूर होते हो, कोई कनेक्शन नहीं होता है, वही लोग आपकी फैमिली हैं, वही लोग आपके साथ रहते हैं. एंड 3 महीने एक बंद घर में रहना, इट्स नॉट ईजी. सो मैं अभी तक तो कोई प्लान नहीं कर रहा वहाँ जाने का. या हाँ ऐसे ही जनरली, वैसे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं वहाँ गया, सबसे मिला, वापस आ गया, वो अच्छा, उतना ही अच्छा था. आई डोंट थिंक सो एज अ कंटेस्टेंट मैं बहुत लंबे टाइम तक वहाँ रह पाऊँ. बट यू नेवर नो कब कब क्या क्या हो जाए.